अज़बिल्लाहिमिश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम हज़रात, हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत फरमाएगा। मुहतरम हज़रात, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन कौन सी वो बेस्ट जो ऐप्स हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो आपके मोबाइल में हर सूरत में होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले जो जिस ऐप का मैं नाम लूँगा वो इस्लाम 360 है। अगर आप इस ऐप में देखें तो बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे। इसमें आपको कुरान मिलेगा, हदीस मिलेगी, इसके अलावा आपको इबादत का भी ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले हम कुरान को देखते हैं। इसमें आप कुरान को ऑनलाइन अभी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये ऐप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से वर्क करती है। अगर आप कुरान मजीद सूरह के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको सूरह के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप पारा के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, आप कोई भी पारा पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको ये यहाँ पर सहूलत मैसर है। आप जो भी पारा पढ़ना है उसको आप क्लिक करें, वो पारा आ जाएगा। और इसके अलावा आप नीचे आप देख रहे हैं उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन आ रही है और साथ वो फिर तफसीर आ रही है। अगर आप ट्रांसलेशन किसी की पढ़ना चाहते हैं, ये सेटिंग वाला बटन है, यहाँ पे आप इसको ओपन करें। ट्रांसलेशन है, तफसीर, जो भी आप ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं तो जिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, ये मुख्तलिफ जो उलमाए कराम हैं उनकी ये ट्रांसलेशन यहाँ पर मौजूद है और हर बंदा अपने अपने फ़िका के हिसाब से वो ट्रांसलेशन पढ़ सकता है। इसके अलावा ये भी और ज़्यादा ऑप्शन है, ये भी आप नेपाली में और बहुत सारी ज़बानों में यहाँ पे आप कुरान मजीद की ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा तफसीर के भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। इसके अलावा भी आप तफसीर भी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं मुख्तलिफ उलमाए इकराम की। तो यहाँ देखिए जी, बहुत से तफसीर इब्ने कसीर भी यहाँ पर शामिल है, मुफ्ती सईद की आडियो भी यहाँ पर, और इसी तरीके से आप लोग यहाँ से हदीस के मुख्तलिफ बुक्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सहाय सित्ता इसमें मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं। और जैसा कि अल बुखारी अगर आप पढ़ना चाहते हैं बुखारी शरीफ को, तो ये देखें आप किताब वही के बयान में, तो ये देखें उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन आ जाएगी हर हदीस की। और अगर आप अरबिक इबारत पढ़ना चाहते हैं तो ये सामने वो भी आ जाएगी। तो यानी बहुत अच्छी ये ऐप है। इसके अलावा तमाम ये बुक्स आप पढ़ सकते हैं, आपके सामने हैं। इसके अलावा आप इबादत का जो ऑप्शन है इसमें आप मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन हैं, जैसे कि हज है, उमरा है, नमाज जनाजा है, फास्ट प्रेयर, यानी आप इसमें मुकम्मल आपको हज का तरीका भी आ जाएगा। तो उमरे का भी तरीका यहाँ से आपको पता चल जाएगा, नमाज जनाजा का तरीका और नमाज जनाजा की कौन कौन सी दुआएँ हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर मोर का ऑप्शन है, इसमें आपको शेयर ग्रीटिंग्स, इसमें आप किसी को आप ईद कार्ड वगैरह या कुछ शमदीद वगैरह के कार्ड भेजना चाहते हैं वो यहाँ से आप भेज सकते हैं। इसके अलावा ये प्रेयर टाइम्स हैं, प्रेयर टाइम्स यानी नमाज के जो औकात हैं, यानी किस टाइम कौन सी नमाज का वक्त होगा, यानी जोहर के वक्त का जो टाइम है कहाँ से स्टार्ट होता है वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा अल्लाह नेम्स हैं, यानी अल्लाह के नाम हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जिस नेम के ऊपर आप क्लिक करेंगे उस नेम का जो मीनिंग है उर्दू में और इंग्लिश में वो आ जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, जैसा कि क़िबला डायरेक्शन है, सप्लीकेशन है, यानी इसमें मुख्तलिफ तरह की आपको दुआएँ मिलेंगी, तो आप मुख्तलिफ तरह की यहाँ से दुआएँ आप याद कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देखें शहादत है, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। तो कायदा यानी आप नूरानी कायदा इसमें आपको मुकम्मल मिल जाएगा। इसमें मुख्तलिफ लेसन बनाए गए हैं, यानी जो बंदे अरबिक से नाबलद हैं वो यहाँ से आप ये देखें अरबिक सीख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पूरा जो नूरानी कायदा यहाँ पर मौजूद है ये देखें, आप देखेंगे कि नीचे ऑप्शन भी आ रहा है, ये देखें आप, यानी अगर आप चाहते हैं कि वो आपको बोल के बताएं कि ये लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, तो अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन है तो आपको वो बोलकर भी आप, यानी आप इसकी आइडियो भी सुन सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, रूल्स ऑफ स्टॉपिंग है, यानी कुरान मजीद के किस किस जगह पर आपने ठहराव करना है। तो ये थी ऐप इस्लाम 360। तो इसके अलावा जो आप कुरान मजीद की जो वो ऐप जो मैं समझता हूँ कि
आपके मोबाइल फ़ोन में होनी चाहिए वो है, अगर आप देखें इसमें अल कुरान ट्रांसलेशन, सरातुल जिनान फी तफसीरुल कुरान, ये दावत इस्लामी की तरफ से ये ऐप शाया की गई है। तो इस ऐप में आपको, आप अगर आप कुरान मजीद की तलावत करना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है, आप सूरत कोई भी पढ़ना चाहते हैं वो भी यहाँ से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पारा कोई भी पढ़ना चाहते हैं वो भी यहाँ से आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। और ये देखें जी, पूरा सिया पारा आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप कुरान मजीद का जो तर्जमा और उसकी तफसीर पढ़ना चाहते हैं वो भी इस ऐप में मौजूद है। इसमें जो कुरान मजीद का जो तर्जमा दिया गया है वो तर्जमा कंजुल ईमान है, जो इमाम अहमद रज़ा हाँ बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। इसके अलावा तर्जमा कंजुल इरफान भी है और तफसीर सरातुल जनान भी है। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी किसी भी सूरत का या पारे का तर्जमा और ट्रांसलेट और इसकी तफसीर पढ़ना चाहता हूँ, मैं उस सूरत के ऊपर क्लिक करूँगा। शुरू में इस सूरत का तारफ आएगा, यानी कहाँ पे ये नाजिल हुई है, ये सूरत नाजिल हुई और ये मक्की है या मदनी है, रुकू और आयात की तादाद कितनी है और इसके नाम की वजह क्या है और इसकी फ़ज़ाइल क्या है इन सूरतों के, वो भी आपको कंप्लीट यहाँ पर डिटेल्स मिलेगी आपको। अगर आप यहाँ से तर्जमा तफसीर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए सिंपली, तो आप सामने देखें जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का तर्जमा भी आ गया। अगर आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की तफसीर पढ़ना चाहते हैं, आप तफसीर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आप नीचे इसको जो तफसीर है वो नीचे आ जाएगी। तो इसके अलावा अगर आप किसी भी ऐसे कुरान पाक की किसी भी आयत की आप तफसीर पढ़ना चाहते हैं और इसका तर्जमा पढ़ना चाहते हैं वो साथ लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ जैसे तफसीर पढ़िए ऑप्शन है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और आगे शेयर करना मत भूलिए। वमा इल्लल बलागुल।